आज हम उस दवाई के बारे में बता रहे हैं, उस बीमारी के बारे में जो खास करके न बच्चों को बहुत तंग करती है। वो बीमारी है बाला अपस्मार, और वो लंबे समय तक ही चलने में उसका इलाज नहीं हो तो वो मृगी का रूप ले लेती है। फिर तो ये बीमारी बहुत घातक मानी जाती है। क्यों? आ किसी भी टाइम बच्चा कहीं भी गिर सके है, और उसमें एक किस्म की बेहोशी होती है वो। और हम जो दवाई बता रहे हैं ये बहुत साधारण दवाई, हर आदमी इसका इलाज कर सके है, हर जगह प्राप्त हो सके है। ध्यान से सुनेंगे, हम जो बता रहे हैं उस आधार पर करने से ये बहुत साधारण योग है और धन्त्री का योग है, कोई सहज भी नहीं है। मलाइटी, मलाइटी मीठी लकड़ी होती है, पंसारी का मिल जाती है, और बड़े दुकानदार सभी दुकानदारों के पास भी मिल जाए बड़ों। ये मलाइटी ले आके मोम दस्ते में घूट के कपड़ छान कर ले इसको। 6 साल तक के बच्चों को 2 ग्राम की मात्रा पेठे के रस में देनी चाहिए। पेठा जो आप ये सब्जी बनावा जिस पेठे की, इसको कोड़ा भी बोल देते हैं कहीं कहीं, कहीं इसको कुबेड़ा भी बोल देते हैं। तो ये पेठे का जो रस है ना, ये अंदाजा है 15 ग्राम रस निकाल के ना साफ सुथरी कुंडी में रगड़ के, कपड़े में साफ सुथरे कपड़े में निचोड़ के, अंदाजा है 15 ग्राम रस, 2 ग्राम मलाइटी का चूर्ण मिला के, और एक बार ही देना चाहिए बच्चे को, और ये एक हफ्ते देना चाहिए। एक हफ्ते में बिल्कुल निरोग हो जाता है बच्चा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और परहेज भी जरूरी है, जिस बच्चे के बाला अपस्मार हो उस बच्चे को कभी भी धमकाना छो में नहीं आना चाहिए, क्योंकि मानसिक दबाव से ऐसा बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। घर में कहाँ इसको डारोड़ा रबदा छो में आना, उससे बच्चा बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए, ये बीमारी बच्चों को हो जाती है। इसलिए बच्चा मतलब इनसे बचाना चाहिए, और 6 साल से जब बच्चा बड़ा हो तो उसके लिए 10 साल तक के बच्चों को 3 ग्राम, 12 साल के बच्चों को 4 ग्राम, और बड़े बड़ों के लिए 5 ग्राम। ये मिर्गी वाले भी इस योग को ले सकते हैं। तो आशा है कि इस नुस्खे का जनजीवन लाभ उठा होगा। जय भगवान धनत्री। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी सभी वीडियोज का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।